Good morning, sir. Sir, I'm Samaji Karyakarta, Mithila Swami. Thank you, sir. सर हम लोग आपके स्कूल के बारे में सर्वेक्षण करने हैं, कुछ हम लोग पूछना चाहते हैं। स्कूल तो देख रहे हैं आपके, फिर भी कुछ हम लोग क्वेश्चन करना चाहते हैं। आप क्या सोचकर इस स्कूल को स्थापना की? यहाँ तो बहुत से स्कूल हैं, माउंटपति सरकारी स्कूल है, बहुत से स्कूल बगल में भी है, फिर आपने इस माहौल में माउंटपति माहौल में क्या सोचकर स्कूल? देखिए मैं एक स्कूल सेवा के द्वारा से खुला हूँ। ये बहुत खुशी की बात है कि मेरे अगल बगल में या बटेरा में अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि एक मैं टीचर ट्रेन हूँ और एक मिड क्लास किया हूँ। कुछ ऐसे समस्या हम मुझे दिखाई दिया है कि बच्चे तो पढ़ रहे हैं पर टेंथ क्लास तक जा रहे हैं पढ़ते पढ़ते, लेकिन उन लोगों को दो लाइन इंग्लिश लिखने नहीं आ रहा है, उन लोगों को हिंदी का कुछ लिखने पढ़ने नहीं आ रहा है। मैं उस सब कमियों को दूर करते हुए चाहता हूँ कि एक ट्रेन टीचर के माध्यम से एक संचालन किया जाए और उसमें बच्चों को उनका भविष्य एक शिक्षा के माध्यम से ही निर्धारित करें और उसे निर्धारित करने के लिए एक शिक्षक की ही आवश्यकता हो। तो ऐसे में मेरे पास जो भी टीचर हैं, जो भी क्वालिफाइड हैं और जो भी नियम होते हैं, जो भी विधि होती है पढ़ाने का, जो भी तौर तरीका होते हैं, उनको हम वो बताते हैं और उसके अनुसार से शिक्षण कार्य करते हैं। और हमारे विद्यालय महानपट्टी में है, मैं इस विद्यालय महानपट्टी के बच्चे पहले बहुत प्राइवेट में कम पढ़ते थे, लेकिन आजकल उत्साह उनका बढ़ा और वे लोग प्राइवेट में अच्छा एजुकेशन ले रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, सब में अच्छा। कितना आप टीचर रखे हैं इसमें स्कूल में? अभी मेरे विद्यालय फोर क्लास तक चल रहा है, इसमें मैं सिक्स टीचर को रखा हूँ। तो सभी शिक्षक गांव के हैं या बाहर के हैं? नहीं, मेरे गांव का यहां से अभी एक लड़की है, बाकी फाइव टीचर जो हैं वो अदर जगह के हैं। उनको मैं इंटरव्यू लिया, उनको देखा कि इस विद्यालय में पढ़ाने के लायक हैं कि, और इस सब देखने के बाद मैं टीचर को सिलेक्ट किया हूँ और वे यहाँ पे पढ़ाते हैं। अच्छा, तो सर आप बताएंगे कि यहाँ पे आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं या हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं? एक हम लोग का अंग्रेजी इंग्लिश स्कूल है, इसमें हम लोग बच्चों को अधिकतर इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, लेकिन अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए उन लोगों को समझाने का कार्य करते हैं, लेकिन अधिकतर हम लोग का हिंदी प्रतिशत इंग्लिश में ही बातें होती हैं। आजकल आप जानते हैं कि हर स्कूल में, हर गांव में, हर समाज में बच्चे को शोषण हो रहा है, बच्चे पे शोषण हो रहा है, उसको पढ़ाई नहीं कराया जा रहा है या बच्चे पे गलत तरह से दुर्व्यवहार होता है, क्या उसके लिए भी आप बच्चे को कुछ बताते हैं कि जिससे वो बच्चे सेफ रह सकें? हम शिक्षा का मतलब होता है सर्वांगीण विकास। हम बच्चों को केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं रखते, उनको हम चाहते हैं उनका सर्वांगीण विकास हो, वो एक घर में अच्छे से रहे, अपने समाज में अच्छे से रहे और समाज में जीने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। उनको सभी प्रकार के हम उनसे सभी घटनाएं दुर्घटनाएं से अवगत कराते हैं कि बच्चे आप अपने जीवन को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। बात कभी कभी मैं एक्सीडेंट के बारे में बताता हूँ, आपको रोड क्रॉस करना है तो कैसे करना है। कभी मैं ये बाल शोषण जो बच्चे को किडनैप कर लिया जाता है उसके बारे में बताते हैं कि बच्चे जब ऐसा मुसीबत आ जाए तो उस समय क्या करनी चाहिए, है ना। उसके बाद पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी है स्वास्थ्य, उनके स्वास्थ्य के बारे में मैं हमेशा दिन प्रतिदिन अवगत कराते रहते हैं कि आपका स्वस्थ शरीर कैसे रहेगा और अपने घर में माता पिता को कैसे अभ्यकारी एक पुत्र बनना, इसके लिए मैं शिक्षा देता हूँ। क्योंकि
नैतिक शिक्षा पर भी जोर दें। उन लोगों का सर्वांगीण विकास के लिए कुछ आप गेम या फंक्शन, जिससे बच्चे कहीं भी जाए तो जैसे टाउन के बच्चे होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, हर जगह पढ़ाई हो जाते हैं, या गेम का माध्यम हो या डांस का हो या कल्चरल का हो कुछ भी हो, तो उस टाइप से आप कराते हैं? यस यस, हम ये चीज को मैं देखा कि बच्चों को केवल किताबी ज्ञान ही दी जा रही है हर जगह, लेकिन मैं इसको देखते हुए इस चीज को मैं बहुत ज्यादा ही इम्प्लीमेंट किया हूँ कि बच्चे के अंदर वह सब चीज सर्वांगीण विकास हो जो उनके अंतर्निहित शक्ति है, उनको मैं बाहर क्रिया करना चाहता हूँ। जो कोई बच्चा क्रिकेट में आगे है, कोई बच्चा कोई अलग गेम में अच्छा है, कोई संगीत में अच्छा है, कोई डांस में अच्छा है, तो जो बच्चा जिस प्रकार का है उनकी अंतर्निहित शक्ति को मैं देखता हूँ और उसे चाहता हूँ उसको प्रोत्साहित करके और उनके दिशा को निर्देशित कर सके। ठीक है सर, आज तो हम लोग आए शिक्षक दिवस है तो हम लोग शिक्षकों के बारे में बात करना चाहते हैं, क्या आपका क्या राय है कि शिक्षक दिवस के बारे में कि शिक्षा का मतलब और टीचर को कैसा होना चाहिए? देखिए, शिक्षक ये दिवस है, ये सभी जानते हैं कि किन के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। देखे हैं कि बहुत सजाया हुआ है शिक्षक दिवस मनाया, कितने तारीख को, बच्चे बहुत ही अच्छे तरह से जानते हैं और ये बहुत हर्ष उल्लास के साथ शिक्षक दिवस मनाते हैं और इनके अंदर बहुत सा उत्साह भरा रहता है कि शिक्षक को एक ऐसा गुरु के प्रति श्रद्धा प्रेम को एक दूसरे को रिलेटेड करते हैं और एक संबंध बन जाता है और इनके मान सम्मान को बरकरार करने के लिए ये लोग सभी बच्चे या हम वो अपने गुरु को आदर मानते हैं और उनको आज मिस करते हैं। बच्चे जो हैं अपने गुरु जो भी है, मैं हूँ या मेरे टीचर हैं, वो आज आए हैं और यहाँ बच्चे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आपके टीचरों से मिल सकते हैं क्लास में? यस, ऑफकोर्स, क्यों नहीं मिल सकते हैं, आपको मिलाएंगे। चलिए, तो आप मिला सकते हैं मुझे। चलिए, मैं आपको सबसे पहले यहाँ के बच्चे से मिलाते हैं। सर, ये आपका यूकेजी क्लास है?